आम आदमी पार्टी के 14 आम आदमी पार्टी विंग जिंदाबाद, आम आदमी महिला विंग जिंदाबाद, आम आदमी महिला विंग जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। था लेकिन किरण खैर जी वोट लेके जाके बॉम्बे में बैठ गया और पब्लिक का बेवकूफ बना दिया। फिर जब मेयर का इलेक्शन आया तो किरण खैर मैम आके बैठ गए और धोखे से फिर अपना मेयर बना गए। लेकिन धोखे से मेयर बना सकते हैं, पब्लिक का बेवकूफ नहीं बना सकते। अब पब्लिक ने इनको खुद दिया, देखो आगे एमपी के इलेक्शन में दिखा देंगे कि पब्लिक क्या चीज है। जिस तरह से पानी के रेट अगर वापस नहीं होते हैं, आज आपका प्रदर्शन है, उसके बाद अगला रुख क्या रहेगा? देखो हमारा रुख रहेगा, हम सड़कों पे आएंगे। अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी देंगे। पहले तो हम यही गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आम पब्लिक की तरफ देखे, क्योंकि वो एक जो मेन लीडर होते हैं उनको पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं, अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी देंगे, अगर जितना प्रोटेस्ट करना पड़ा वो करेंगे, और सड़कों पे भूखे प्यासे बैठना पड़ा तो वो बैठे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि पब्लिक ने हमें एक विश्वास के तौर पर दिया। ये पानी के जो रेट बढ़ाए गए हैं बहुत महंगाई बढ़ाए गए हैं, यही मांग है कि ये मुद्दा जो है सभी एजेंडा डिस्कस करो, और
जिस तरह से ये रेट बढ़ाए गए हैं और आपका प्रदर्शन दो बार सदन में उन्होंने एश्योरेंस दी थी, लेकिन पार्टी के रेट बढ़े उनके एश्योरेंस के बावजूद उन्होंने कहा हम 35 के 35% लेकर गवर्नर के पास जाएंगे। कहां से ले रहे हो सब? 6 बजे पीछे। अच्छा जी, सभी लोग 6 बजे आह्वान किया था, सभी आरडब्ल्यू आए, सभी लोग आए, हमने सबका आह्वान किया, जो भी ऐसे लोगों की भीड़ नहीं हुई। देखो आज वर्किंग डे, सभी लोग पीछे आ गए, 6 बजे सभी लोग, तो जितने आ सकते उतने आ गए। हमने कोई शो स्ट्रेंथ तो नहीं करना, हमने एक प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर इससे प्रोटेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, फीका नहीं रहेगा प्रोटेस्ट, ये फीका नहीं। आप देखो अभी आ रहे हैं, अभी तो शुरू है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, अभी तो शुरू है ना। अगर इससे बीजेपी के कानों पर आवाज नहीं रहेगी, अगला कदम क्या कदम अगला देखते हम, इसके बाद जो भी फैसला होगा करेंगे।